दिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओगे मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। किसी के इंतजार दिल ना चुरा ले कहीं में। ये लाइन इस अभिनेत्री पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं। उन्हें जितना प्यार बॉलीवुड से था, उससे ज्यादा वो आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चाहती थी। अभिनय इनको मजबूरी में करना पड़ा था। 10 साल की उम्र में वो मराठी सिनेमा की हीरोइन बन गई थी। एक फिल्म में बहन का ऐसा शानदार रोल निभाया कि उस दौरान लोगों ने उन्हें सैकड़ों राखियां भेजी। वो परिवार की जिम्मेदारी उठाने के चलते अपना घर बसाना तक भूल गई थी। 53 साल की उम्र में सगाई करने के बावजूद वो अविवाहित ही रह गई। शशि कपूर के एक्टिंग करियर को उठाने में इनका बड़ा योगदान था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस नंदा की। नंदा दामोदर का जन्म 8 जनवरी 1938 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनके पिता विनायक दामोदर थे, जो एक मराठी फिल्मों के अभिनेता और निर्देशक थे। वो अपने घर में 7 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। नंदा जब 5 साल की थीं, एक दिन जब वो स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है। इस फिल्म का नाम था मंदिर और इसके निर्देशक नंदा के पिता दामोदर ही थे। फिल्म पूरी होती इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक हालत बिगड़ने के चलते नंदा के छोटे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आ गया। नंदा महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई, लेकिन हिंदी सिनेमा की नहीं बल्कि मराठी सिनेमा की। फिल्म कुल देवता के लिए नंदा को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से नवाजा था। नंदा को 1957 में आई फिल्म भाभी के लिए पहली बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। हिंदी फिल्मों में नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया था। 1959 में नंदा ने फिल्म छोटी बहन में बलराज सहानी और रहमान की अंधी बहन का रोल प्ले किया था। उनका किरदार इतना पसंद आया था कि उस दौरान लोगों ने उन्हें सैकड़ों राखियां भेजी थी। राजेंद्र कुमार के साथ नंदा की फिल्म धूल का फूल सुपरहिट रही। इस फिल्म ने नंदा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बहन के रोल नंदा का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। नंदा एक बार फिर फिल्म काला बाजार में देव आनंद की बहन बनी। 1961 में आई फिल्म हम दोनों में नंदा ने लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले किया और फिल्म हिट रही। इसके बाद उन्हें लीड एक्ट्रेस के रोल ऑफर होने लगे और नंदा को 3 देवियां जैसी महत्वपूर्ण फिल्में मिलने लगी, जिनमें उनका मुख्य किरदार था। 1961 में शशि कपूर ने फिल्म धर्मपुत्र से बतौर हीरो हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। उन्हें एक रोमांटिक फिल्म ऑफर हुई। शशि कपूर की एक्टिंग करियर को देखते हुए बड़ी बड़ी हीरोइंस ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। निर्माता अभिनेत्री नंदा के पास पहुंचे, जो उस दौर की टॉप हीरोइंस में शामिल थीं। नंदा को कहानी अच्छी लगी और वो इस हीरो के साथ काम करने के लिए तैयार हो गईं। फिल्म रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शशि कपूर और नंदा की जोड़ी हिंदी सिनेमा की रोमांटिक जोड़ियों में शुमार हो गई। हम बात कर रहे हैं फिल्म जब जब फूल खिले की। नंदा ने सबसे ज्यादा 9 फिल्में शशि कपूर के साथ की। उन्होंने उनके साथ 4 दीवारी और मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्में की। नंदा शर्मीले स्वभाव की थी। फिल्मों में काम करने के दौरान वो निर्देशक मनमोहन देसाई को दिल दे बैठी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत तो थी, मगर कभी जाहिर नहीं की। कुछ समय के बाद मनमोहन ने किसी और से सगाई कर ली और नंदा अकेली रह गई।
साल 1972 में आई मनोज कुमार की फिल्म शोर बतौर अभिनेत्री नंदा की अंतिम हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद नंदा ने असलियत, जुर्म और सजा और प्रायश्चित जैसी फिल्में की, लेकिन नंदा का समय खत्म हो गया था। उन्होंने खुद को रुपहले पर्दे की चकाचौंध से अलग कर लिया। साल 1981 में नंदा ने फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में बतौर चरित्र अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा वापसी की। इस फिल्म के बाद उन्होंने राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग और मजदूर में अभिनय किया। कुछ सालों के बाद मनमोहन देसाई की पत्नी का निधन हो गया और इसके बाद 1952 में 53 साल की उम्र में नंदा ने मनमोहन देसाई से सगाई कर ली। लेकिन सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन की मौत हो गई और नंदा आजीवन अविवाहित रही। नंदा ने अपने 4 दशक लंबे सिने करियर में कई फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन किसी भी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं जीत पाई। 1960 में आई फिल्म आंचल के लिए सहायक अभिनेत्री के तौर पर उन्हें फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया था। फिल्म भाभी, आहिस्ता आहिस्ता और फिल्म प्रेम रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित की गई थी। 75 साल की उम्र में 25 मार्च 2014 को मुंबई में नंदा का निधन हो गया।